अगर आप भी मेरी तरह रोज़ रोज़ वही सेम सब्जियां खा खा के बोर हो गए हैं तो फिर इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना, क्योंकि ये है स्पेशल फेवरेट मेरी लोबिया मसाला या फिर लोबिया की सब्ज़ी, जो भी आप बोल सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से घर पे आपसे बन जाएगी और बहुत ही बेसिक घर पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, बस आपको वो डालने हैं और एकदम बाहर जैसी टेस्टी वाली सब्ज़ी मिल जाएगी आपको, जो कि आप फॉर अ चेंज अपने फैमिली को खिलाकर उन्हें भी खुश कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक बोल और उसमें मैंने डाल दिया है 3/4 कप जितना लोबिया, जिसे हम चौली भी बोलते हैं या फिर जिसे आप काउ पी बीन्स भी बोल सकते हैं, जो नॉर्मली इसका इंग्लिश नाम होता है। तो इसको ना मैंने पूरी रात के लिए भिगा के रख दिया था और इसको मैंने अभी फ्रेश पानी से धो दिया है। फिर मैंने ना एक कुकर ले लिया और उसके अंदर मैंने डाल दिया काउ पी बीन्स या चौली या फिर लोबिया को, और उसमें मैंने डाल दिया 3 कप जितना पानी और डाल दिया नमक, और इसको जो है मैंने 3 से 4 विसल्स तक मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से पका दिया। तो ये पूरी रात क्योंकि भीगा हुआ था इसलिए मैंने इसको ज़्यादा विसल्स नहीं लगाई। तो अगर आपका जो लोबिया है वो आपने भिगाना भूल गए हैं और आपको नेक्स्ट डे सब्ज़ी बनानी है, तो आप इसको 3 से 4 घंटे गर्म पानी में भिगा कर भी रख सकते हैं। अब मैंने ले लिए हैं 3 प्याज और उनको भी मैं कर दूँगी अच्छे से ग्राइंड। तो यहाँ पर जो है 3 प्याज मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं और उनको मैंने ग्राइंडर जार में काट दिया है। ऐसे ही रफली काटना है और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर दिया है। थोड़ा सा पानी इसलिए डाला है ताकि आसानी से ग्राइंड हो जाए। तो अब जो है हमारा प्याज ग्राइंड होके आप देख सकते हैं रेडी हो गया है। अब हम ग्राइंड कर देते हैं हमारे लहसुन अदरक और मिर्ची की पेस्ट। तो यहाँ पे जो मैंने 1/2 इंच जितना जिंजर यानी कि अदरक ली है, फिर मैंने ले लिए हैं यहाँ पे 5 से 6 कलियाँ लहसुन यानी कि गार्लिक की, और एक हरी मिर्च ली है जो कि एकदम तीखी वाली है, और उसको पानी डाल के थोड़ा सा उसका एक वाटरी पेस्ट तैयार कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब जो है कढ़ाई ले ली है मैंने, उसमें मैंने डाल दिया है 5 से 6 बड़े चम्मच जितना तेल, फिर डाल दिया है तेज पत्ता और डाल दिया है 1 छोटा चम्मच जितना जीरा यानी कि क्यूमन सीड्स, और उसको होने दिया है क्रैकल, और फिर डाल दिया है इसके अंदर हमारा ग्राइंड किया हुआ प्याज जिसको हम पकने देते हैं। जब तक पकता है हम कर लेते हैं ग्राइंड टमाटर। तो यहाँ जो है मैंने ले लिए हैं 2 टमाटर और उनको भी मैंने रफली चॉप करके ग्राइंडर जार में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर दिया है। अब हमारा जो प्याज था आप देख सकते हैं अच्छे से जो है वो पक रहा है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा मुझे पकना दिख रहा है कि पक चुका है थोड़ा थोड़ा। तो अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर लहसुन अदरक और मिर्ची का जो हमने पेस्ट बनाया था उसको, ताकि प्याज के साथ साथ ये भी पकता जाए और इसका जो कच्चापन है ना, जो हमारा पेस्ट हमने डाला वो भी चला जाए। तो अब जो प्याज और आपका जो लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट था वो आप देख सकते हैं पक गया है, यानी कि जब हल्का सा ब्राउन हो जाए ना यानी वो पक गया है। तो उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर टमाटर की प्यूरी जो हमने प्यूरी किया था जिसका, अब हम जो है इसको भी पका देंगे 5 से 7 मिनट ढक कर। और आप देख सकते हैं हमारा जो टमाटर है वो पकना शुरू हो गया है, मतलब कि ये जो पूरा प्याज लहसुन अदरक मिर्ची टमाटर इन सब ने जो है वो तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी कि अब वो पक चुका है अच्छे से। तो अब हम डाल देंगे इसके अंदर अब हमारे सारे मसाले, यानी कि 1/2 छोटा चम्मच जितना टर्मरिक यानी कि हल्दी का पाउडर, 1 छोटा चम्मच कोरिएंडर यानी धनिया का पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और डाल दिया है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। तो हमने जो थोड़ा बहुत नमक ना उसमें भी डाल दिया था जब हम बॉयल कर रहे थे हमारे काउपी बीन्स या फिर लोबिया या फिर चौली को, तो उस हिसाब से नमक आपको डालना है।
तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया कुक हो गए हैं हमारे चौली। अब हमने उसका पानी के साथ साथ उसको अच्छे से डाल दिया है, साथ साथ हमने लोबिया भी डाल दिया है। और अब हम यहाँ पे आधा कप जितना पानी डालकर इसको अच्छे से कुक करेंगे। तो यहाँ जो है हमें इसको ढक के कुक करना है कम से कम 5 से 10 मिनट तक। और आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया सब्जी बन रही है। तो अब जो है इसको वापस से मैंने 2 मिनट तक और पकाया और फिर अब फाइनली हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई है। एकदम बढ़िया वाली टेस्टी वाली सब्जी बन के रेडी हो गई है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला। तो यहाँ पे जो है मैंने 1/4 छोटा चम्मच जितना गरम मसाला डाला है। तो इससे क्या एक अच्छा वाला स्वाद आ जाता है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, आपका गैस बंद करके जब आप फाइनल इसको खाने वाले हैं तभी डालना है, इससे फ्लेवर बना रहेगा आपकी सब्ज़ी में। फिर मैंने इसको गार्निश कर दिया है धनिया पत्ती के साथ और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं चावल के साथ, रोटी के साथ, ये बहुत अच्छी लगती है दोनों के साथ। ये ऐसे भी अगर आप खाएँगे ना खाली सब्ज़ी तो वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो इसको ज़रूर से ट्राई करना और अपने घर वालों को खिलाकर उनको खुश करना। और ये बहुत हेल्दी सब्ज़ी है, प्रोटीन रिच सब्ज़ी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, इसलिए इसको ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आप वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कितनी अच्छी लगती हैं। और आप इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।